1,10,000 रुपए के गांजे के साथ दो आरोपी गिरफ्तार, हीरापुर गांव के पास बेचने की फिराक में खड़े थे आरोपी। जिले के खंजे थाना पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार कर 5 किलो 500 ग्राम गांजा जब्त किया है। खंजे थाना प्रभारी सुरेश शर्मा ने बताया कि सूचना पर पहाड़िया के पास कच्चा रास्ता ग्राम हीरापुर में विवेक लोधी पुत्र शिशुपाल लोधी, पुष्पेंद्र वंशकार पुत्र सुरेश वंशकार निवासी गनगरेठा एक, मोटरसाइकिल क्रमांक MP32ZC4027 ने हीरापुर गांव के पास अवैध रूप से गांजा बेचने के फिराक में खड़े हुए थे। तभी पहाड़िया के पास कच्चा रास्ता ग्राम हीरापुर पहुंचे तो दो व्यक्ति बैठे हुए दिखाई दिए। बीच में एक सफेद रंग के कट्टा जिसमें कुछ भरा हुआ दिखाई दिया। दोनों व्यक्तियों ने पुलिस को देखकर भागने का प्रयास किया, जिन्हें फोर्स ने पकड़ लिया। आरोपियों ने अपना नाम विवेक लोधी पुत्र शिशुपाल लोधी उम्र 13 साल निवासी गरोठा और पीछे व्यक्ति ने अपना नाम पुष्पेंद्र पुत्र सुरेश वंशकार उम्र 21 साल निवासी ग्राम गरीठा थाना पिछोर होना बताया। मोटरसाइकिल पर रखे प्लास्टिक के कट्टे की तलाश ली तो उसमें 5 किलो 500 ग्राम अवैध सूखा गांजा पाया गया। आरोपी विवेक लोधी और पुष्पेंद्र वंशकार से अपराध कायम कर उक्त 5 किलो 500 ग्राम अवैध सूखा गांजा और अपराध में प्रयुक्त मोटरसाइकिल जब्त कर आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। क्या है पूरा मामला? कल दिनांक को द्वारा सूचना प्राप्त हुई ग्राम खिजापुर में दो व्यक्ति अवैध रूप से गांजा लिए बैठे हुए हैं तथा बिक्री करने की प्राक में उप सूचना के आधार पर दबिश दी गई तो दो व्यक्ति पुलिस को देखकर भाग खड़े हुए, इन्हें घेर कर पकड़ा। एक का नाम विवेक लोधी निवासी गरेठा, दूसरे का पुष्पेंद्र वंशकार निवासी गरेठा को पाए गए। जब उनके कट्टे में भरे हुए वस्तु की तलाशी ली गई तो उसमें 5 किलो 500 ग्राम गांजा पाया गया जो अवैध रूप से था। उनके पास कोई लाइसेंस नहीं था। आरोपी विरुद्ध धारा 8/20 NDPC एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है। आरोपियों से अन्य सप्लायरों के संबंध में विस्तृत पूछताछ की जा रही है। सर, ये कब से ये धंधा करते थे? करीब 1 वर्ष से धंधा करना बता रहे हैं। तो इनके और कहीं बाहर भी तार जुड़े हो सकते हैं? हाँ, बिल्कुल जुड़े हो सकते हैं। इस संबंध में विस्तृत पूछताछ की जा रही है।